नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्षिदा और आप सभी का मेरे चैनल पे कुक विद हर्षिदा पे स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं एक ऐसी रेसिपी जिसे हम ठंडियों के मौसम में ही खा सकते हैं और ठंडियां शुरू हो चुकी हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ड्राई फ्रूट्स का हलवा है उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ठंडी के मौसम में खाने से हमें स्फूर्ति, ताज़गी और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। चलो तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने काजू, बादाम, ये मैंने पिस्ता लिया है और यहाँ पे ये जो वाटरमेलन के सीड्स हैं वो लिए हैं। ये हमने सूखा नारियल, अखरोट और ये खारे के लिए है। इन सबको हम पीस लेंगे। और यहाँ पे हमने ली है सूट, तो सूट को भी हम पहले पीस लेंगे। तो सूट को हमने पीस के हमको छान लेना है। अब इसी के साथ हमने गंठोड़ा लिया है, इसे आप पीपरा मूट भी कह सकते हैं, इसे भी हम पीस लेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए हमने इसे पीस लिया है। हमें इसे बारी बारी से पीसना है क्योंकि एक साथ नहीं पीस पाएंगे हम इसे। तो अब हम क्या करेंगे, इसे पहले छान लेंगे और फिर वापस से पीसेंगे। तो यहाँ पे मैंने छानने के लिए इस तरह से एक बड़ी सी छन्नी ली है और अब इस छन्नी की मदद से हम इसे छान लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने छान लिया है और इसी तरह से हम ये जो सूट है उसको भी छान लेंगे। और इन दोनों चीज़ों को छान के हम अलग से एक दूसरे डब्बे में भर के रखेंगे और जब भी हम ये ड्राई फ्रूट्स का हलवा बनाएंगे तभी इसमें से एक चम्मच हम यूज़ करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम जो खसखस है जिसे हम बोलते हैं पॉपी सीड्स, तो इसको भी हम अलग से पहले पीस लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पॉपी सीड्स लिए हैं और ये हमारा पीस कर रेडी है। तो हमने जो जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं उन सभी के साथ पॉपी सीड्स को मिक्स कर लिया है। अब चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लगभग मैंने 100 ग्राम के जितना जो घी है, शुद्ध घी, वो लिया है। जैसे ही घी मेल्ट हो जाए तो यहाँ पे 50 ग्राम के जितना हमने गुड़ लिया है जिसे हमने ग्रेट करके ऐड किया है। तो गुड़ को हमें थोड़ा सा मेल्ट करना है, हमें इसे ज़्यादा मेल्ट नहीं करना है। हल्का सा जब ये मेल्ट हो जाए तो बस उसी स्टेज पर हमने जो गोंद है जो हमने ऑलरेडी पहले से पीस के रखा है तो वो लगभग एक चम्मच इसमें ऐड करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमने इसमें गोंद ऐड कर दिया है। अब गोंद को हमें लगभग एक या दो मिनट के लिए इसे कंटिन्यूस इसी तरह से चलाते हुए पकाना है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे एक चम्मच लगभग जो सूंठ और जो गंठोड़ा का पाउडर था वो, इसे भी हम एक आध दो मिनट के लिए इसी तरह से पकाएंगे और फिर ऐड करेंगे लगभग एक बाउल जितना जो ड्राई फ्रूट्स को हमने जो क्रश करके रखा है तो उसे ऐड करके भी हमें इसी तरह से एक दो मिनट के लिए ही चलाना है। और आप देख सकते हैं कि दो मिनट के अंदर जो हमारा हलवा है वो एकदम रेडी है। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, बिना देरी किए इसे हम इस बाउल में निकाल लेंगे और साथ ही इसी तरह से हमें गर्मा गर्म ही इसको खाना है, क्योंकि गर्मा गर्म खाने से इसका जो स्वाद है वो दुगना आता है। इसी चीज़ को हम लड्डू के शेप में भी दे सकते हैं, लेकिन हमारे घर में सभी लोग गर्मा गर्म खाना पसंद करते हैं तो हम इसी तरह से खाते हैं। तो अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो के नीचे लाइक के बटन को क्लिक करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगली रेसिपी के साथ। बाय बाय।